बिग बॉस के घर के अंदर पहला नॉमिनेशन टास्क हुआ है और कौन कौन से 5 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं और किस पर गिर सकती है एविक्शन की गाज, चलिए मैं आपको बताऊंगी फिल्म विंडो पर। तो पहला जो है मौत का फरमान, ये जो है एक नॉमिनेशन टास्क घर के अंदर हुआ, जो आपने देखा प्रोमो जो सामने आया है, और इसी में चाहत वर्सेस विव्यान, गुणरत्न वर्सेस करणवीर देखने को मिले। अब ये फाइट तो हमने देख ली, लेकिन अगर बात की जाए मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कौन से सदस्य हुए हैं नॉमिनेट, तो भाई करणवीर मेहरा जो कि खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी जीत कर गए हैं, वो पहले ही हफ्ते जो है नॉमिनेट हो चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर। और अगर शो की मैं बात करूं तो करण को थोड़ा और एक्टिव जरूर होना होगा। मुझे लगता है कि अगर इस शो में विव्यान नहीं होते तो शायद करण को और फायदा होता, लेकिन यहां पर विव्यान फिलहाल उन्हें ओवरशैडो कर रहे हैं। मुस्कान बामने, जिनकी कल मैंने पहली बार आवाज सुनी शो में, मतलब मुस्कान करने क्या गई है, सिर्फ मुस्कुराने तोड़े ना गई हो, कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करो, कुछ तो बोलो। चाहत पांडे, मतलब मुझे अंडरस्टूड था, मैंने बोला ही था कि चाहत और गुणरत्न ये दो ऐसे लोग हैं जो जरूर हुए होंगे, वो दोनों हुए ही हैं। और पांचवा है अविनाश मिश्रा। तो ये 5 सदस्य जो है फिलहाल नॉमिनेट हुए हैं। अविनाश कैसे हो गया भाई, इतनी बड़ी गैंग बना के बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे जो है वो नॉमिनेट हो गया, लेकिन वो हुआ है। मुझे इसके अलावा लग रहा था कि आरफीन या सारा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बेफालतू के मुद्दे इन दोनों ने बनाए थे पीछे, खासकर सारा ने, और ये समझ में आ रहा था कि वो फुटेज के बनाए हुए मुद्दे हैं। तो ये 5 सदस्य जो है फिलहाल नॉमिनेट हुए हैं। लेट्स सी, अगर मुझसे कहा जाए तो मुझे लगता है कि इनमें से सच में अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो मुस्कान का है। मतलब मुस्कान, मुझे नहीं लगता कि शायद इस शो को लेकर उतनी कंफर्टेबल नजर आ रही हो, बहुत दिन हो गया, एक दो दिन समझ में आता है, लेकिन ये शो शुरू हुए जो है, ये हमने भले ही प्रीमियर संडे देखा हो पर फ्राइडे से शुरू हो गया है, तो अभी भी लाइव फीड में अगर मैं देख रही हूँ तो मुस्कान का ऐसा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो इनमें से मुझे लगता है कि मुस्कान का सफर जो है खत्म हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।